अच्छा मेरे साथ बैठी है ना नाज़ली नसर, तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि नाज़ली जो है इसमें मेरी बहन बनी है और मुसरत इनका नाम है, मेरा नाम अल्लाह जाने क्या है, चाचा चाचा कहते हैं जफर साहब, चाचा जफर। और इसी तरह हल्के फुल्के अंदाज में सबसे बातें गपशप होती रहेंगी। मुझे ये बताइए कि वो धुआं वाले दिन कैसे थे? आज हम ये बात कर रहे थे, धुआं वाले दिन तो ऐसे थे कि हाँ नहीं वो तो आप जिंदगी जिंदगी में रह जाने वाली चीज को खैर आप धुआं के हवाले से धुआं कह रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी यादें हैं, वो गालिबन आपका पहला प्ले था? नहीं मेरा सेकंड प्ले था, फर्स्ट प्ले में एक मिनट माइक दे दो उनको। इसमें मैं और नाज़ली जो हैं बहन भाई और एक फैमिली ड्रामा है माशाल्लाह से, अगर इसका नाम हमें बताया गया है लेकिन हम अभी तक मैं ये समझ रहा हूँ कि वो ये नया नाम ये भी शायद वर्किंग टाइटल आगे चल कर ये भी बदल जाए, तो जो फाइनल नाम होगा वही आपको बताएं। नाज़ली को मैं याद दिला रहा था कि भाई धुआं जो सीरियल था कोयटा उसने भी ऐसी धुमे मचाई, यानी ऐसी धुमे मचाई कि उसमें नाज़ली उसमें वो अपने हमारे आशिर और उसमें सज्जाद और उसमें हमारे वो जोड़े प्यारे कैमरामैन हैं डीओपी शकील अदनान और कोयटा सेंटर, वो सब जो है ना टॉप पे चले गए। हाँ क्या हुआ भाई? ये जो है ना शाह साहब जो हम चाय पिलाते हैं ये बीच बीच में आते हैं, इनका इरादा ये है कि मैं ये नाज़ली से कोई गपशप ही ना करूं। बताइए ये क्या बात, शायद ना हो हमारे सेट पे बिल्कुल। अच्छा मैं आपसे ये पूछ रहा था कि वो धुआं जाते हैं तो वो तो जाहिर है वो दिन कैसा, वो काम करना कैसा, वो तो था भी पीटी जी का जमाना जी जी बिल्कुल, मेरी जिंदगी का वो सेकंड प्ले था। अच्छा और मैं कोयटा गई थी उसके लिए कराची से, कोयटा में माहौल बिल्कुल डिफरेंट है हमारे, मतलब था उस वक्त अब तो कराची भी काफ़ी चेंज है, दुनिया भी चेंज हो गई, तो कोयटा बहुत क्लियर है मेरे पास की मुझे एक्सपीरियंस थी और नहीं, तो मैं एक वाहिद औरत वहाँ पे लड़की थी हुई है, तो मैं एक वाहिद क्या दोबारा पूछो दोबारा आप वही है ना जो धुआं में आई थी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, हम प्यार करते हैं आपसे। ये जो है ना ये अली ये हमेशा बीच में जरूर इसमें एंट्री देनी होती, बड़ी प्यारी एंट्री देता है। अच्छा तो कोयटा में बुलाई गई और सच्ची बताऊं तो पहले जो चार चौथी किस्त कौन सी थी? चौथी किस्त मतलब शुरू में ड्रामा लोग इतना पसंद नहीं करते थे, उसकी वजह ये थी कि उस जमाने में अफ़सोस बाद आ गई, याद है आपको प्रोग्राम जिसमें सारे ड्रामों के बारे में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इस्लाम आबाद से होता था, तो उसमें बड़ी बुरी रिपोर्ट इसकी बात हो गई, उसमें ऐसी
होती किसका लोग समझ में ना आए क्योंकि वो काफी फेस भी सारे नए थे जी सारे चेहरे भी नए थे असल दीन और वो एक और खिलाड़ी वाले और आशिर के साथ जो दो तीन थे वो बिल्कुल ही हटकर अननोन फेसेस और हटकर सब थे अच्छा हम तो ये समझते रहे कि नाज़ली भी क्वेटा अच्छा नहीं नहीं मैं तो कराची से गई थी और यहाँ दो हफ्ते के लिए ट्राई कर दी थी क्योंकि पहले पहले हमारे उस दौर में एक एपिसोड बनता था हमें रोता था अब तो हम पूरा पूरा ड्रामा बना लेते थे जाते हुए उसी वक्त मेरे मैं इधर कराची में आज कर रहा था जी और आप लोगों का ध्यान मैं जब यहाँ आई तो मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि पाँच ड्रामा आ रहे हैं बहुत ही अच्छा चल रहा है अरे नहीं बड़े बड़े नहीं मुझे सफेद होगा आप जैसा काम नहीं होगा हाँ जी आइए ये चले इसको यही रोकते हैं इसी तरह जो है ना किस्तवार गपशप होती रहेगी अपने आप ओके अल्लाह